आपका शुक्रिया कि आपने हमें ज्वाइन किया। बहुत बहुत शुक्रिया है आप दोनों का कि आप लोगों ने मुझे अपने पास इधर बुलाया। देखें, बात यह है कि बात शेख रशीद अकेले की नहीं है। अब आपका कौन चूज गई है ये गवर्नमेंट? इस दे डोंट कैपेसिटी नहीं है इनके पास। देखें, इनके पास कैपेसिटी नहीं है। नहीं सर, शुरू करें बकायदा आपसे। सर मैं तो उस वक्त शुरू देखे, मैं तो शुरू मैं शुरू आप तो शुरू है। जरा बताइएगा सर, आपने कहा कि सारी बातें अब आपकी कुर्बानी से पहले कुर्बानी होगी, ईद आपके सर पे खड़ी है, ये कौन सी ईद की बात की थी, कौन सी कुर्बानी की बात की? देखे भट्ट साहब, पिंडी में रहता हूँ, लाल हवेली में, झूठ बोलो गली के अंदर की सीटेंगे, आवामी आदमी हूँ, वाम के साथ रहता हूँ, झूठ नहीं बोलता। ईद कहा था, लेकिन मैंने कहीं ये नहीं कहा कि ये वाली ईद है, जोनसी वाली ईद है, ये वाली ईद है। देखिए, मैंने ईद की बात की और ईद पे कुर्बानी बनती है सर। लेकिन इमरान खान तो आपके लिए कौन सी कुर्बानी की बात हो रही है सर? देखिए, मैंने कुर्बानी की बात की थी, ईद से पहले की कुर्बानी कुर्बानी कहलाएगी। देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं कहीं बैठा हुआ और मैंने जाके जोन से जस्ट लगा के ये बोलना है और जस्ट लगा के ये काम हो जाए, ना ऐसा नहीं होना है। कुर्बानी होनी है और बिल्कुल होनी है, गाय बकरों वाली कुर्बानी बिल्कुल होनी। देखे, मैंने ये कहीं नहीं कहा हुआ है कि इस ईद के ऊपर, मैंने तो डेट दी नहीं है। ये आप मीडिया वाले बादशाह लोग हैं, हीर को राजा और राजे को हीर बनाना, आप लोगों से बेहतर तो कोई नहीं जान सकता है। नहीं सर, आपकी तो वीडियो टेप मौजूद, इसमें आपने कहा कुर्बानी से बाहर, तकरीर में कहते हैं आपको। देखे, इस तरह की वीडियो टेप की कोई हैसियत नहीं है, कोई हैसियत नहीं है, 0/0। देखे, ऐसे तो वीडियो टेप मीरा की भी आई थी सर। ये देखे, इसका कोई ये मतलब तो नहीं होता ना कि देखे देखे, आजकल टेक्नोलॉजी का जमाना है, बच्चे चैन की बातें करते हैं, चैन। ठीक है, मुझे ये बताइएगा सर, मुझे चैन चाहिए। ये दांदली का जो ये आपको याद आया लफ्ज, ये एक साल बाद क्यों आपको दांदली याद आई? इससे पहले आप क्यों इतने खामोश थे? मतलब वजह क्या हुई कि एक साल आपको इंतजार करना पड़ा इस दांदली के लिए? देखे टू बी, आप देखे बात आप खरी करें या सच्ची करें, आज देखे अंधेरा उजाला देर सवेर, देखे ये मामलात में चलती है। सियासत एक ऐसी चीज है कि सियासत के अंदर आपको अपने दरवाजे जो है वो खुले रखने पड़ते हैं। और मैं कतई तौर पे ये नहीं कहता हूँ कि मैं अगर मैं शबे खून मारा गया मेरे ऊपर, शबे खून क्या किस्सा, मैं पूरी रात, ये जी मीडिया ग्रुप वाले, मीडिया ग्रुप वाले सच बोलूंगा ये पावन मर जाएगा। अच्छा, आप हमेशा आके ये राग लापते, सच बोलूंगा ये हो जाएगा, किसी को आप कुछ बताते देखे क्या सच है आप? देखे, ये धरती पाक नौजवानों की धरती है, ये पाकिस्तान की धरती है। देखे, मेरा कोई मैल नहीं है। देखे, मेरे कोई तंजानिया या मंबासा में मेरी फैक्ट्री नहीं चलनी है मियां साहब की तरह। लेकिन आपको, मैं आवामी आदमी हूँ सर, लेकिन काफी लोग कह रहे हैं कि आपको पीछे से कोई चलाने वाले लोग हैं, और आप खुद भी कह रहे हैं कि एस्टेब्लिशमेंट ने चूड़ियां नहीं लग पहनी हुई, तो ये इस तरह के लफ्ज आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये देखे बीबी की आज से नहीं है, जब से आपने ज्वाइन किया पॉलिटिक्स तब से। देखिए शुमैला भाजी, आज की बात ही नहीं है, इट्स नॉट टुडे। देखे आज की बात नहीं है, जुबैर शुमैला, देखे ये आज की बात नहीं है, हमेशा से मुझ पर इल्जाम लगते रहे। और तो गलत है इल्जाम, गलत तो हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। मैं वाजिया तौर पे देख रहा हूँ कि देखे कौन नहीं चलता है अपने हुक्म से, देखे तो पीछे कोई ना कोई चाहे होते ना चलते है ना। ठीक, नहीं लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। मैं आपको देखे, मैंने अपने सफर शुरू किया कंडक्टरी से, राजा बाजार, मरीड चौक, मरी अली रोड। देखे मैं अवामी आदमी हूँ, मुझे ये भी पता है कि बस में लमकना कैसे और फ्रांस के अंदर सियासत में कैसे खेलते हैं, दुश्मन जो पहले के होते हैं वो फिर आपके दोस्त बन जाते हैं। इमरान खान ही कह रहे थे कि इनके साथ में कभी, खान क्या होता है, इमरान खान साहब खान होता है, बी वर्ड खान, अब अभी के लफ्ज के ऊपर वो आने के लिए इमरान खान, इमरान खान जी, देखो इमरान खान साहब ने ये बोला था कि देखिए इमरान, मैं कभी खान हो या खान हो, वो अपने उसूलों का पक्का है। नहीं, ये कुछ और पूछ, मैं ये पूछ रही हूँ कि उन्होंने तो आपके साथ होना ही नहीं था, और वो तो उनके अपने अल्फाज आपके लिए बड़े तल्ख थे, और आज आप उनके साथ खड़े हैं और साथ में आप लोग। देखे आज और कल की बात नहीं है, ये इन्होंने मुझे तांगा पार्टी बोला, मैंने कहा इमरान वर्ड
डज नॉट सूट यू कि जो आपने मेरे ऊपर बोले आपने को समझाया नहीं, नहीं मैंने देखें ये सियासत में कोई दुश्मनी नहीं होती नहीं बीबी दुश्मनी नहीं होती सियासत तो आप फिर दूसरी पार्टी इमरान ने मुझे कहा कि मैंने तांगा पार्टी तेरी पार्टी को नहीं बोला मैंने घोड़े तांगा को मतलब तुझे देख के घोड़ा याद आ गया तो मैंने घोड़े की वजह से कोचवान याद आया घोड़ा आपको देख के घोड़ा मैंने बोला ठीक है मेरा सवाल इन इन रिटर्न आई इतना वक्त नहीं है आपको पूरा घंटा दिया आप मेरे सवाल का जवाब दे दें कि आप इतनी देर में क्यों याद आया आपको देखिए अगर दिल में काला होता तो मैंने उसी वक्त शोर करना था देखिए मैंने शोर नहीं किया नहीं डाला शोर सबने एक्सेप्ट किया रिजल्ट को आगे सब चले गवर्नमेंट सबने फॉर्म किया और आज एक साल बाद इन लोग को जो है मैं वही कह रहा हूँ ना कि मेरे सामने शायद लिया नहीं शेख साहब को इस वजह से भी नाराजगी इनकी ये चाहते थे कि मियां साहब दोबारा उनको वेलकम तौबा ना उस बिल्ला तौबा तौबा देखे देखे बट साहब नून लीग में जाता है मेरा भट मेरी बात सुनो गौर से हाँ मेरी बात सुनो गौर से क्या कहे सर हम नहीं नून लीग में देखे नून लीग भट में देखे मैं आपको मुखातिब नहीं मैं आपको मुखातिब देखे गुल्लू भट्टों की पार्टी है गुल्लू भट्टों की पार्टी है और मैं देखे मैं इनको अंदर से जानता हूँ मेरी कौन सी पार्टी ऊपर है देखे आप क्या कहे देखे जुबैदा बीबी देखे मस्खर अड़ाने से कुछ नहीं होता किसी का देखो डोंट इनका सर देखे सर क्यों कह रहे हैं देखे डोंट स्पिल्ट ओवर स्पिल्ट मिल्क देखे आपने हंसना नहीं है नहीं कौसर क्यों कह रहे हैं सर नहीं देखे कौसर भाई देखे बात आप इतने पुराने नाम का सर मैं आप नहीं आपकी फूफी का नाम है तो फिर आप मुझे पहले से मुझे ईमेल कर देंगे आजकल इंटरनेट का दौर है आप बच्चे सवाल पूछते हैं बाबा जानी सर ये मुझे ये बाबा जानी बाबा जानी वैसे आपने आपने क्या कुर्बान किया कुर्बानी क्या दिया देखे कुर्बानी जिक्र किया है क्या कुर्बानी मुशर्रफ के दौर में बहुत क्या कुर्बानी मैंने किस देखे ना मैंने क्या कुर्बानी नहीं दी है सवाल ये पूछे क्या देखे कमरान शायद सवाल ये पूछेंगे कौन सी कुर्बानी दी खालिद भट्ट कौन सी कुर्बानी नहीं दी आपने कौन सी दी है सर मैंने देखे दुनिया की टॉप लड़कियों के रिश्ते ठुकराए ये कुर्बानी है सर बिल्कुल कुर्बानी है देखे मैंने किसको रिश्ते नहीं ठुकराया अभी रिसेंटली आई थिंक कोई ठुकराया था मेरे लिए बांग्लादेश की सुपर मॉडल यस्मीन का रिश्ता आया मैंने कहा नहीं यस्मीन देखो देखो आप की कितना बेवकूफ आप खदा देखे खदा की कसम नहीं इस मुल्क देखे आपका सिगार नहीं देखे ये सिगार देखे क्यों ठुकरा है मेरी बात सुन ठुकरा है इसके अलावा देखे हिंदुस्तान से मुझे रेखा ने कहा हिंदुस्तान और मैं हिंदुस्तानी देखे रेखा ने मुझे कहा कि मैं गया उससे मिलने जो कुर्बानियां दी वो बता रेखा ने कहा कि देखो आज इस चोटी पे अग्नि को साक्षी मान के साथ फेरे ले लो सर क्या बातें कह रहे हो मैं देखे लेट बी कंप्लीट ये देखे श्योर ये करूंगा पवन मर जाएगा उसने मुझे बोला अग्नि को साक्षी मान के फेरे ले लो मैंने कहा देखो रेखा हमारे माँ बाप हमें पढ़ते पोसते जवान करते हैं देखो जिंदगी में दो रास्ते हैं देखो जिंदगी में दो रास्ते हैं छोटा एक लंबा है मेरी माँ क्या करती थी बेटा राज अगर तू सीधे रास्ते में जाएगा तो छोटे लगेंगी इससे बहुत इंस्पायर्ड है पता चल रहा है सर मुझे बताएं वैसे क्या होने वाला क्या आप कह रहे हैं कुछ होने वाला है कुर्बानियां जो माहौल बन रहा था सर वो अभी कई माहौल अब नजर नहीं आता लोग धरनों में भी कम हो गए जलसों में भी वो बात नहीं रही वो माहौल जो हमें नजर आ रहा था वो भी नहीं रहा क्या हो रहा है कौन सी कुर्बानी देखिए एवरी जाने दो लोगों घर में कुर्बानी कर यार मुझे बोलने देना यार आप हमारे देखे ये बात या तो मैं चला जाता हूँ आप बात कर ले बीच बीच में टोके नहीं देखे बात सुने देखे यार आप बात करने देंगे नहीं करेंगे देखे बात सुने देखे एवरी एक्शन इज अ रिस्पॉन्ड एंड अपोजिट एक्शन सही है जो चेंजेस आज की बात कहते हैं देखे मैं पहला आदमी नहीं हूँ जो ये बात कर रहा है इमरान खान है कादरी साहब है सब है देखे इस हमाम के अंदर सब नंगे हैं इन्होंने मिलके खाया हुआ है सबने तो जब इन्होंने मिलके देखे इमरान इमरान को गैर मुल्की तो नहीं है देखे पाकिस्तानी है वो भी मेरी तरह हम सोच रखते हैं एक सोच है हमारी उसको तालिबान खान कहते हैं देखे हमने आवाम के लिए बोहतान खान टाइप कोई नहीं उन्होंने बात ये गैर मुनासिब बातें हैं ये तो नहीं करनी चाहिए सियासत उसके पर्सनल किरदार पे आपको देखे जहाँ तक बात ये है कि देखे क्या होने वाला है उसके लिए एक्शन होगा और वो सब देखे कौन देखेगी मैं पहले कुछ रिवील नहीं करना चाहता ये देखेगी कौन क्या देखेगी आपने इतने देखे दो बातें होंगी देखे दो बातें होंगी लेट मी
देखिए दो बातें होगी, या तो ये रिजाइन कर देंगे, वजीर आजम रिजाइन कर देंगे या नहीं करेंगे, देखेंगे। जी वेलकम बैक खवातीन आजाद, बड़ी अहम गुफ्तगु जारी है शेख रशीद साहब से। हमने पहली दफा इनको सिर्फ रेटिंग के लिए नहीं बुलाया, बहुत सारे चैनल्स बड़े बड़े साफी रेटिंग के चक्कर में शेख साहब को बुला के घंटे घंटे की उनसे बातचीत कर रहे होते। हम चाह रहे कोई बात निकले। आज बहुत अहम रहनुमा मुस्लिम नून के जनाब मुशाहिदुल्लाह साहब ने भी ज्वाइन किया। सर आपका शुक्रिया, आप हमारे साथ हैं। सर मुशाहिद साहब मेहरबानी जी, आपकी मेहरबानी। सर ये आपके इस बात में कितनी सदाकत है कि शेख साहब को आपने नून लीग में आने का चांस नहीं दिया, तो इस वजह से इतना भड़क रहे हैं आप लोग, तो इस तरह की बातें भी करते हैं सर? भाई देखें, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, देखें बात यह है कि शेख साहब जो है वो अब बहुत ही बड़े लीडर हो गए हैं, वो आलम बाला में रहते हैं, इसलिए तमाम सियासी जमातों ने अपने दरवाजे उनके लिए बंद इसलिए कर दिए हैं कि वो ऐसी ऐसी पेशीन गोइयाँ करते हैं और वो अपनी ज़ात के गिर्द हर चीज़ को घुमाना चाहते हैं, तो वो पार्टियाँ उनसे पनाह ही मांगती हैं आजकल। अच्छा सर, तो इसका मतलब है वो ये इनका ऐसा आपका मसला है ना, ये नून लीग सा कोई इतना इशू नहीं है, आपका इशू है। देखें इनकॉम्पिटेंसी की इंतहा होती है खालिद साहब। देखें बात सुनिए, मैं रहता हूँ पिंडी इस्लामाबाद में आम आदमी की हैसियत से, मैं आपको बताऊँ खालिद साहब और जसमीन आप देखें, इस वक्त मैं आपको बताऊँ ये इतबा बर्बादी के निज़ाम पहुँच चुका है, ये बर्बाद हो चुके हैं। और आपको ये भी बताऊँ कि ये इनकी इनकॉम्पिटेंस और गवर्नमेंट है, देखेंगे इन्होंने नहीं चलना है, ये ना चल सकते हैं, ये आज नहीं तो कल। देखे वो कहते हैं ना कि गिदड़ की मौत आती है तो शहर का रुख करता है, इनको तो पता ही नहीं है। लेकिन सर मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, सर मुशाहिदुल्लाह शाहिद साहब आपसे पूछना चाहती हूँ कि ये तारिक अजीम जैसे आपने लिए सारे अपने साथ साथी मुशर्रफ के साथ थे, तो शेख रशीद के साथ क्या आपको प्रॉब्लम है? मैंने गुजारिश की ना, तारिक अजीम हो गए या इस तरह के कुछ लोग जरूर लिए हैं, और ऐसे लोग लिए हैं जिन्होंने सियासत परवेज मुशर्रफ ही के साथ शुरू की थी, वो हमारे लोटे नहीं थे। लोटे का मतलब लोटे, लोटे हुए हैं जिन्होंने बुरे वक्त में नवाज शरीफ का साथ देने के बजाय उनके बीच में खंजर घोंपाया, उनको उन्होंने लिया। लेकिन अगर किसी ने सियासत मुशर्रफ के दौर में शुरू की है और वो उन्होंने अपनी गलती का एहसास हो गया तो उन्हें हमने ले लिया अपने साथ। शेख साहब जो है इनको शेख साहब बनाने वाले मियां नवाज शरीफ हैं, तो इन्हें चाहिए था, लेकिन ये इनकी सरिश्त में है कि ये कभी किसी के साथ वफा नहीं करते, और जब भी बुरा वक्त आता है तो ये हमेशा बुरा वक्त लाने वालों के साथ होते हैं। देखे मुशाहिद साहब, सियासत के अंदर कोई दुश्मनी नहीं चलती, सियासत के अंदर देखे सियासत का असूल है, सियासत का असूल यह है कि आपने हमेशा खुले दिल से कबूल करना है। मैंने आना नहीं है, ना मैं आना चाहता हूँ, देखें ना मैं इस इनकॉम्पिटेंस गवर्नमेंट के साथ या इनसे वाबस्ता लोगों के साथ, लेकिन बात यह है कि देखें नरम रवैया रखती है लोग जो है, देखें ये पार्टियां क्या होती है, पार्टियां नरम रवैया रखने वाली चीजें हैं, ये चोपली नहीं है जो आपने फेंक देनी है। देखे मैंने तो अपनी गली में रहना है, मेरे गली के कोने में जो आपा सुगरा रहती है, मैंने तो उनका मुंह देना जी जाके, मैंने तो बार नहीं बनाई हुई अपनी कोठियां मेलिया। सर ये बताइएगा, ये जो अब ये कादरी इमरान और शेख रशीद तीन मर्द तीन कहानियां जो है सर, इसमें से आपको लगता कौन है सही इनकलाबी? अब शेख रशीद साहब आप बचपन से उनको जानते, ये इनकलाबी है वैसे? शेख साहब को मैं बिल्कुल, हम इकट्ठे एक ही कॉलेज में पढ़े हैं और हम मेरा घर और इनके घर में कोई एक किलोमीटर से भी कम का फर्क था, अभी भी जो मेरा पिंडी में आबाई घर है, तो मैं इनको जानता हूँ बड़ी अच्छी तरीके से, और बड़ी एक तवील दास्तान है। लेकिन शेख साहब ने खूब तरक्की की है, अरबोपति आदमी है, अपने आप को गरीब आदमी कहते हैं, ऐसी बात है नहीं है, 15-20 हज़ार रुपए का ये सिगार पी लेते हैं एक सिगार, और इनकी बड़ी जायदादें हैं, बहुत कुछ है, जबकि इनके पास जब ये कॉलेज में पढ़ते थे तो कुछ भी नहीं था। देखिए हर इंसान तरक्की करता है और हर इंसान को तरक्की करनी चाहिए, उस वक्त मैं स्टूडेंट था, आज अल्हम्दुलिल्लाह अपने दोनों पाँव पे खड़ा हूँ। मैंने बाहर जनाब, मैं सऊदी अरब में रहा हूँ, मैं यहाँ से सऊदी अरब गया, मैं ड्राइवर की नौकरी करता रहा हूँ शेख अय्यान बिन नयान की, और ऐसा नहीं था हक हलाल की रोजी कमाए वापस आए, अगर ये 20 हज़ार का है